नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अभियान सिविल सर्विसेज में। आज हम देखेंगे बाबा भीमराव अंबेडकर की जीवनी के बारे में और उनसे संबंधित तथ्यों को जो हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए। इससे पहले हम लोग ये पूरा क्रम चल रहा है, इसमें समय समय पर हम लगभग 20 से 25 दिनों में 15-16 मई तक सारे व्यक्तित्व को कर देंगे। इससे पहले ज्योतिबा फुले जी का की पुण्यतिथि पर, इनके जन्म दिवस पर हमने ये शेयर किया था, उसको आप लोग देख लें, वो मॉडर्न इंडिया के प्लेलिस्ट में होगा। आज हम देखेंगे भीमराव अंबेडकर जी के बारे में, क्योंकि उनके बारे में 10 मिनट में या 15 मिनट में तो चीजें कहीं नहीं जा सकती। उन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो समाज के लिए, दलित वर्ग के लिए, महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। और सैकड़ों आंदोलन, पुस्तकें और जितने भी उन्होंने पत्र पत्रिकाएं निकाली, बहुत सारे संस्थानों का निर्माण किया, बहुत सारे कोटेशंस हैं उनके, तो इतना ज्यादा है कि वो पूरा दिन भी निकल जाए तो उनके बारे में बात करने के लिए समय कम पड़ जाएगा। लेकिन आइए हम कुछ सटीक शब्दों में देखते हैं कि 150 से 200 शब्दों में हम कैसे उनको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उनको सुशोभित करते हैं। आज उनकी 128वीं जयंती है, तो ये याद रख लेना है कि 128वीं जयंती है आज उनकी, 14 अप्रैल 2019। आइए देखते हैं उनके बारे में कुछ, उनके जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जो कुछ भूल गए होंगे वो आप लोग अपनी तरफ से जोड़ लीजिएगा, लेकिन जो ज्यादा जरूरी है वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। बाबा साहेब अंबेडकर भारतीय विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स दोनों ही विश्वविद्यालयों से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी। और यहाँ से इन्होंने दो दो बार इकोनॉमी में इन्होंने डिग्रियां ली थी दोनों जगह से। और विधि मतलब कि लॉ, इकोनॉमी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में इन्होंने पीएचडी भी की थी। तो बहुत ही समय उन्होंने व्यतीत किया था अपने शिक्षा के लिए। उनको मदद बड़ौदा के समय शासक थे उन्होंने की थी, और कोल्हापुर के शाहू जी ने छात्रवृत्ति के माध्यम से उनको विदेशी शिक्षा के लिए भेजा था। वे अर्थशास्त्र के प्रोफेसर भी भारत में थे, मुंबई में, और वकील के तौर पे भी कार्य किया। बाद में उन्होंने राजनीति ज्वाइन कर ली। राजनीति ज्वाइन करने के से पहले ही उन्होंने बहुत सारे सामाजिक कार्य किए, उन कार्यों को भी हम देखेंगे। बहुत सारे पत्र पत्रिकाएं, दलित वर्ग की जितनी भी समस्याएं थी उसके लिए उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी, बहुत सारे आंदोलन किए, बहुत सारे पत्रिकाएं निकाली और पुस्तकें उनकी बहुत ही चर्चित हैं। लगभग 32 पुस्तकें उन्होंने लिखी हैं। इनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को महू में हुआ था, मध्य प्रदेश में, जो उस समय मध्य प्रांत बोला जाता था। इनके पिताजी ब्रिटिश सेना में, भारतीय सेना ही जो थी उसमें, इनका नाम था रामजी सकपाल। इनका पूरा नाम बीच में कुछ ज्यादा ही है तो इनको हम रामजी सकपाल के नाम से याद रख लेंगे। और ये सैन्य अधिकारी थे, सूबेदार के पद से रिटायर हुए थे। इनके जो भी पूर्वज थे वो सेना में ही थे। इनका बचपन जो है वो गरीबी में बीता था और इनको पढ़ाई के पर्पज से इनके पिताजी महू से नागपुर मुंबई चले आए। फिर वहाँ पे उनकी शिक्षा दीक्षा हुई और स्टीफेंस कॉलेज में, जो कि मुंबई विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ था, वहाँ से उन्होंने BA राजनीति शास्त्र इकोनॉमिक्स में BA किया। फिर उसके बाद बड़ौदा के सयाजी राव गायकवाड़ ने एक स्कीम चलाई थी जिसके माध्यम से गरीब छात्रों को स्कॉलरशिप दे करके विदेशी शिक्षा, अगर वो योग्य हों तो उनको भेजा जाता था। बाद में वो सालों तक रहे, बहुत सारी डिग्रियां ली। उनको माना जाता है कि उनके पास 29 से 30 डिग्री थी। तो डिग्री के मामले में वो PhD थे, MA थे, कई सब्जेक्ट से MA किया उन्होंने, लगभग 3-4 उसमें प्रमुख हैं। शोध भी 3-4 सब्जेक्ट में उन्होंने किया, PhD भी की। और लंदन में उनका
जो घर है उसको शायद वो भी म्यूजियम भी बना दिया गया है। और सरकार की बहुत सारी योजनाएं उनके नाम पे हैं ही, आप लोगों को पता ही है। और शिक्षा सुधार के लिए, दलित चेतना के लिए और दलितों के अधिकार के लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। जैसे कुछ आंदोलन हमने लिखे हैं, आदिवासियों के मंदिर प्रवेश, पानी पीने, छुआछूत, जात पात, ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयां मिटाने के लिए महाड़ सत्याग्रह उन्होंने 1928 में किया, नासिक सत्याग्रह 1930 में किया, येवला की गर्जना 1935 में, आंदोलन ये सारे आंदोलन उन्होंने चलाए महाराष्ट्र में। मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, जनता और प्रबुद्ध भारत नामक 5 पत्रिकाएं उन्होंने निकाली, संपादित की, जो कुछ साप्ताहिक थी, कुछ पाक्षिक थी। तो साप्ताहिक मतलब कि वीकली और पाक्षिक मतलब फोर्टनाइटली जो थी वो उन्होंने चलाई। सिद्धार्थ महाविद्यालय उन्होंने मुंबई में इसकी शिलान्यास रखा, इसको खोला, और इसमें दलितों के लिए खास करके शिक्षा से संबंधित बहुत से सारे प्रोग्राम उन्होंने चलाए। उन्होंने दलितों को या सभी भारतीय नागरिकों को जो मुख्य धारा से नीचे थे उनको कहा कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, का नारा है उनका। उनके बहुत सारे कोटेशंस हैं जो कि आज भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, आप उसको ऐसे में यूज कर सकते हो। जैसे धर्म के लिए उन्होंने कहा था कि आई लाइक रिलीजन दैट टीचेस लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जिसमें जो हमें क्या सिखाता है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना सिखाता है। हिंदू धर्म में कुरीतियों को देखते हुए उन्होंने हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया 1956 में, उसको भी हम देखेंगे। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में बहुत सारे कार्य किए, जब साइमन कमीशन आया था तो साइमन कमीशन के साथ भी उनको काम करने का मौका मिला। बाद में पूना पैक्ट हुआ, 1920 में उन्होंने 1919 में दलितों के लिए अलग सीट के लिए, जो आरक्षित सीटें थी उनके लिए प्रयास किया, और उसको मॉन्टेग्यू चेंसफोर्ड में शामिल भी किया गया। वहीं से आरक्षण की प्रक्रिया, दलित आरक्षण जो राजनीतिक आरक्षण था वो शामिल हुआ। उसके बाद हम देखेंगे 14 अक्टूबर 1956 को 5 लाख लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म में शामिल हो गए, द बुद्धा एंड हिज धम्मा करके उनकी लास्ट पुस्तक थी, ये लास्ट ग्रंथ माना जाता है उनका। संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। 1934 में उन्हीं के लेख के आधार पे जो आरबीआई का गठन हुआ, उसमें बहुत सारे उनकी लेख की बातें, रुपए का कैसे संवर्धन किया जाए, वो सारी चीजें उन्होंने इसमें शामिल की थी। उनके लेख के आधार पे ही आरबीआई के बहुत सारे प्रावधान बनाए गए। 1936 में उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, जिसको स्वतंत्र मजदूर पार्टी भी कहते हैं, ये कई बार पीटी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बिहार पीसीएस, मध्य प्रदेश में तो हर बार एक प्रश्न रहता ही है। तो यहाँ से मुख्य परीक्षा, प्रारंभिक परीक्षा सभी के लिए काफी उपयोगी, आपको इतने में ही बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। इतनी चीजें भी अगर आप याद हो तो आप उसको लिख सकते हो। तो स्वतंत्र मजदूर पार्टी का गठन 1935 में किया था, 1937 का चुनाव भी लड़ा था उन्होंने, और मुंबई प्रांत में 15 सीटें जीती थी, 17 में से 15 सीटें इन्होंने जीती थी। पूना पैक्ट समझौता में गांधी जी के साथ समझौता करके दलित के लिए आरक्षण की बात की थी उन्होंने 1932 में। इनकी जयंती जो है वो 14 अप्रैल को मनाई जाती है। महापरिनिर्वाण, जिस दिन इनका देहांत हुआ है उसको महापरिनिर्वाण बोलते हैं, 6 दिसंबर को। धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस 14 अक्टूबर को मनाया जाता है, इस दिन उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। इनके लिए कुछ आस्थल भी बनाए गए हैं, जैसे चैत्य भूमि मुंबई में बनाई गई है, दीक्षा भूमि नागपुर में, और जन्मभूमि महू जो है मध्य प्रदेश में। यहाँ से गवर्नमेंट ने अभी 2016 में कई ग्रामीण स्तर पे योजनाएं घोषित की। 32 पुस्तकों की रचना की थी, इनको 11 भाषाओं का ज्ञान था। तो ये सारे सूचनाएं थी जो बाबा भीमराव अंबेडकर के बारे में जानना हमें बहुत जरूरी है, उनके कार्यों के बारे में जानना जरूरी है। उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए थे, कोरेगांव आंदोलन उन्होंने किया था, जो मराठा आंग्ल संघर्ष में जो शहीद हुए थे उनके लिए उन्होंने शिलापट्ट डाला था, जो अभी ये अभी एक बवाल हुआ था कोरेगांव को लेकर के, वो कोरेगांव वही महाराष्ट्र वाला वही कोरेगांव है जिसको लेकर के अभी अल्पेश ठाकुर और ये दलित नेता जो भी थे
उन्होंने काफी अच्छा खासा बवाल किया था, उसमें कुछ कुछ लोग घायल भी हुए थे, भगदड़ मच गई थी। तो उनके बहुत सारे कोटेशंस हैं, बहुत सारे प्रेरणा स्रोत जो कथन हैं, उनको भी हम परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक तो पहला आप लिख ही लीजिए कि आई लाइक दैट रिलीजन दैट टीचेज अस लिबर्टी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। मैं उस धर्म को पसंद करता हूं जो हमें स्वतंत्रता सिखाता है, समानता सिखाता है और बंधुता सिखाता है। आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ कम्युनिटी बाय द डिग्री ऑफ प्रोग्रेस विच वीमेन हैव अचीव्ड। महिलाओं के विकास के लिए उन्होंने बहुत सारे कार्य किए। उनका कहना था कि आई मेजर द प्रोग्रेस ऑफ द कम्युनिटी, मैं किसी भी कम्युनिटी, कोई भी समाज है, उसका मापदंड उस हिसाब से करता हूं कि उसकी महिलाएं कितनी ज्यादा सफल हैं, कितनी ज्यादा आगे हैं। उनका कानून के प्रति बहुत ज्यादा लगाव था, कानून में उनका बहुत ज्यादा ज्ञान था, अर्थव्यवस्था में बहुत ज्यादा ज्ञान था। लॉ एंड ऑर्डर आर द मेडिसिन ऑफ द बॉडी पॉलिटिक, एंड व्हेन द बॉडी पॉलिटिक गेट सिक मेडिसिन मस्ट बी एडमिनिस्टर्ड। इनके बहुत सारे कोटेशंस हैं। इन ह्यूमनिज्म कंसाइंस रीजन एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग हैव नो स्कोप फॉर डेवलपमेंट इन हिंदू हिंदुइज्म। उन्होंने जब हिंदू धर्म छोड़ा था तो बोला था इन हिंदुइज्म, हिंदू धर्म में कंसाइंस मतलब कि जो होता है आत्मा, रीजन मतलब तर्कणा, और इंडिपेंडेंट थिंकिंग जो स्वतंत्र विचार है उसका कोई जगह नहीं है और उसमें विकास की कोई संभावना नहीं है। ये कथन उनका तब है जब उन्होंने बौद्ध धर्म 1956 14 दिसंबर को 14 अक्टूबर को स्वीकार किया था 1956 में महाराष्ट्र में 5 लाख लोगों के साथ। उनके और भी सारे स्टेटमेंट हैं, रिलीजन एंड स्लेवरी आर इनकम्पैटिबल। तो बहुत सारे कोटेशंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं उनके बारे में जानने के लिए, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण चीजें थीं। इसके बाद हम धीरे धीरे सभी जो भी हमारे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उनके बारे में हम अपलोड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों। अगर आपको हमारा कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, और हमारे पेड प्रोग्राम ज्वाइन करने के लिए 8802913517 पे व्हाट्सएप करें, जिसमें हम यूपीपीसीएस 2018 के लिए 18 के लिए टेस्ट प्रोग्राम और 400 प्रश्नों की फ्रेमिंग दे रहे हैं, और दूसरा आपको यूपीपीसीएस 2019 के लिए हमारी क्लासेस हैं जो प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेंगे, क्लासेस चल रही हैं। जल्द ही इसके लिए प्री कम मेंस की टेस्ट सीरीज शुरू की जाएगी, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, और UP SSSC के लिए जल्दी सिलेबस आने के बाद हम इसको भी टेस्ट प्रोग्राम शुरू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।